लगातार आतंकियों का खात्मा कर रही है, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको जानकारी दे दें, अनंतनाग और कुलगाम में मुठभेड़ हुई, दो पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। हालांकि मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, 2 पाक नागरिक भी शामिल बताए जाते हैं। हालांकि आतंकियों के पास से गोला बारूद बरामद कर लिए गए हैं, जिसकी जानकारी इस वक्त मिल रही है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, जब हम आपको खबर बता रहे हैं। फिलहाल 2 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों की ओर से अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जब हम आपको खबर बता रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 6 आतंकवादियों का खात्मा सेना की तरफ से कर दिया गया है। हालांकि इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। हालांकि बताया जाता है कि 6 आतंकवादी ढेर किए गए हैं, उसमें 2 पाकिस्तान के हैं। हालांकि सेना की तरफ से थोड़ी देर में पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। फिलहाल ये पुष्टि हो गई है कि 6 आतंकवादी अब मार गिराए गए हैं, जिसकी जानकारी इस वक्त JK247 न्यूज आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हालांकि 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, क्योंकि इलाका अनंतनाग का इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुलगाम और अनंतनाग में मुठभेड़ हुई है। तनवीर वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तनवीर, क्या जानकारी है? जब हम अपने दर्शकों को खास तौर पर यह जानकारी दे रहे हैं, तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है क्या? इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं तनवीर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जनूबी कश्मीर में कल 2 अलग अलग मुकाम पर झड़पें शुरू हुई। आपको अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, नौगाम इलाके में यहाँ कल 8 बजे ही झड़प शुरू हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज को इत्तला मिली कि इलाके में कहीं मुश्तबा अफराद छुपे हों। उसके बाद जो अभी भी एनकाउंटर उस मुकाम पर जारी लगा। अगर कुलगाम की बात करेंगे, कुलगाम में भी मिरहमा के इलाके में एनकाउंटर कल 10 बजे शुरू हुआ, जो 1 बजे तक इख्तिताम हुआ। आपको बता दूं कि यहाँ पे भी 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए, और इसकी पुष्टि बाजाबाद तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी। और कुल मिला के अगर जनूबी कश्मीर का दोनों जगहों पर देखा जाए, 6 मिलिटेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं डाउन हुए। और लेकिन कुलगाम जिले की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट कमांडर है शाहिद नामी, वो पाकिस्तानी बताया जा रहा है, और जबकि 2 जो हैं लोकल, मोहम्मद शफी जो त्राल पुलवामा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और उजैर अहमद जो मिरहमा ही लोकल स्थानीय जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन जो शाहिद और उजैर है, मोहम्मद शफी और उजैर जो है, उन्होंने रिसेंटली मिलिटेंटी सफों में शुमूल करके दोनों तीनों जो हैं जैश मोहम्मद से वाबस्ता है। और जो शाहिद है, पाकिस्तान के नाम से जो जाना जाता था शाहिद, और वो टॉप मोस्ट कमांडर माना जाता था और टॉप मोस्ट वांटेड भी था। और ऐसे में आपको बता दूं कि ऑपरेशन जो है दोनों जगह पे, जो अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, वहां पे ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, और अनंतनाग में 3 जो मिलिटेंट है वहां पे भी एक फॉरनर मारा गया, जबकि 2 जो है लोकली बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मिला के जनूबी कश्मीर में 2 अलग अलग झड़पों में 6 मिलिटेंट जो है वो मारे जाने की तस्दीक बाजाबाद तौर पर हुई है। और अभी भी हमारे जो सेना के आले अधिकारी और पुलिस वगैरह, उन्होंने बाजाबाद तौर पर अभी ट्वीट किया है कि बुजुर्ग इलाके में अभी चंद मिनट पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें इस बात का खुलासा किया जाएगा कि जो वाबस्ता है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी पहुंचाएंगे। शाह, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि सुबह सवेरे आप जानकारी दे रहे थे, एनकाउंटर साइट पर आप मौजूद थे, इस वक्त क्या खबर आपके पास भी है? देखिए, अभी जो एनकाउंटर के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एनकाउंटर में 3 जो मिलिटेंट है जैश मोहम्मद के, वो इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिनसे काफी असला बारूद भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, और एक जो रिहायशी मकान है वो उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें ये मिलिटेंट छुपे हुए थे। उसके बाद जो है अभी भी जो फॉरेनर सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है, और तमाम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी जो मिलिटेंट की शिनाख्त वो ये बताई जा रही है कि एक इसमें फॉरेनर है और 2 लोकल मिलिटेंट जो कि दूर के ही रहने वाले हैं, वो इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जी ठीक है शाह, लेकिन इलाके का जिक्र करेगा, कैसा इलाका है और क्या घर घर तलाशी अभियान भी सेना चला रही है क्या? देखिए, एक अनंतनाग से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाका है, जो कि पीर पंजा रेंज में पड़ता है, और वहां से ही जो रास्ता है, जो एक रास्ता जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ता है, वहां पे ये एनकाउंटर चल रहा था, और काफी ठंड रहती इस इलाके में। शाम के टाइम जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो उस टाइम भी काफी ठंड थी, और इस टाइम एनकाउंटर जो लगना पहुंच के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह की कड़ाक की सर्दी वहां पे। ठीक है।